आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स, उसका मतलब और उसके फंक्शंस के बारे में। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट है क्या? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए, आप एक क्लॉथ मार्केट में जाते हो तो आप वहां पर क्लॉथ लेते हो, ठीक है। आप अगर वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो वहां वेजिटेबल बेची और खरीदी जाती है। उसी तरह से जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें क्या खरीदा बेचा जाता है? फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, चेक्स, इस तरह की चीजों के बारे में हम बात करते हैं। और जहां पर ये क्रिएट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि खरीदे और बेचे जाते हैं, वहां बनाए भी जाते हैं। चेक्स जब बनता है या शेयर्स जब बनते हैं और लॉन्च होते हैं, उनको भी हम फाइनेंशियल मार्केट में लेते हैं। और फिर वो शेयर्स मैंने खरीदे, आपने बेचे, इस तरह का जो डील होगा वो भी फाइनेंशियल मार्केट में ही आता है। फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज अ फॉरम, प्लेटफॉर्म आता है एक, टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थ्रू क्रिएशन, सेल एंड ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। देखिए, वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक बेस है जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जाती है। ट्रांजैक्शन मतलब खरीद फरोख्त की जाती है, किसकी? इन्हीं सब चीजों की, शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ओके, चेक्स, ये सब बातों की। और यहाँ पर ये चीजें बनाई जाती हैं, सेल की जाती हैं और ट्रांसफर भी की जाती हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, मैं खरीदती हूँ, आप बेच रहे हैं, ठीक है। इन सब का जो डीलिंग है, इन सब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की जो डीलिंग है, वो फाइनेंशियल मार्केट में होती है। इफ यू बाय और सेल फाइनेंशियल एसेट्स, इस तरह के फाइनेंशियल एसेट्स अगर आप खरीदते हो और बेचते हो, देन यू विल पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल मार्केट। तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा बन जाते हो। अगर आप शेयर खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, या आप एफडी कराते हो, या आप चेक्स में डील करते हो, तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल मार्केट में एंटर कर गए हो। फाइनेंशियल मार्केट्स प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमी बाय स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ, इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द फैक्टर्स एंड अफेक्टिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। तो देखिए, जिस देश की फाइनेंशियल मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, या जिस देश में इस तरह के फाइनेंशियल एसेट्स का खरीद फरोख्त हो रहा है, उसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ पर जाती है, ठीक है। उसका इकोनॉमिक वेलफेयर में देश का हिस्सा बन रहे हो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में डील कर रहे हो। और अगर किसी देश की फाइनेंशियल मार्केट बहुत बढ़िया है, तो उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़िया है। दिस इज अचीव्ड बाय फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच एंटिटीज विद फंड्स एलोकेट टू दोज फंड्स टू दोज हु हैव पोटेंशियली मोर प्रोडक्टिव वेज टू इन्वेस्ट दोज फंड्स। होता क्या है, जिनके पास पैसा है उनसे वो पैसा उठाया जाता है, और वो ट्रांसफर किसको किया जाता है? उन लोगों को जिनके पास पोटेंशियली मोर प्रोडक्टिव वेज टू इन्वेस्ट दोज फंड्स हैं, जो उस पैसे से और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मेरे घर में 2 लाख रुपया पड़ा है, वो 2 लाख रुपया आइडल ऐसे ही अलमारी में पड़ा है। 5 साल के बाद जब मैं अलमारी खोलूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 2 लाख रुपया। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, उस 2 लाख रुपए को वहां से उठाता है, मेरी अलमारी में से, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वहां पहुंचता है जिनके पास उस 2 लाख से 20 लाख या 2 लाख से 10 लाख बनाने का आइडिया है। जो लोग उस 2 लाख रुपए को किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे और उससे और पैसा कमाएंगे। तो हुआ क्या, जो आइडल, जो ऐसे ही बेकार में पैसा, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था 2 लाख रुपए, जो मैंने यूं ही रखा हुआ था, उसको उठाया मैंने, सिक्योरिटीज ली, तो वो सिक्योरिटीज तो मेरे पास आ गई, और मेरा पैसा किसी ऐसे कंपनी वाले के पास, बिजनेसमैन या इंडस्ट्री वाले के पास पैसा पहुंचा, जिसने उससे अपनी इंडस्ट्री और बढ़ाई और उसको लगाया अपनी फैक्ट्री में, जिससे वो और भी ज्यादा पैसा कमाएगा। उस फैक्ट्री लगाने में वो और लोगों को रोजगार भी देगा, जो मजदूर वहां काम करेंगे वो भी अपनी रोजी रोटी वहां से कमाएंगे। तो हुआ क्या, वो पैसा जो यूं ही पड़ा था, वो जाकर किसी का हिस्सा बना, इकोनॉमिक स्ट्रीम का हिस्सा बना, जिससे मैंने भी पैसा कमाया, मुझे 2 लाख से ज्यादा मिलेगा, और जिसने पैसा लगाया उसने भी कमाया, और पैसा लगाने की मुहिम में उसने जितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने भी पैसा कमाया। तो ये फाइनेंशियल मार्केट ने हमारा क्या किया, हमारी कंट्री की ग्रोथ को भी बढ़ाया।
तो देखिए अब दोबारा सुनिए, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जिसके पास फंड्स हैं वहां से उठाया जाता है और उनको पहुंचाया जाता है जिनके पास मोर प्रोडक्टिव वेज हैं उसको इन्वेस्ट करने के। वो उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उस पैसे से और भी ज्यादा मुनाफा हो सके। अ साउंड फाइनेंशियल मार्केट मेक्स इट मोर एफिशिएंट वे टू ट्रांसफर फंड्स। अगर किसी कंट्री में फाइनेंशियल मार्केट अच्छी है, साउंड है, तो और भी ज्यादा सुविधा हो जाती है पैसे को ट्रांसफर करने की। अगर हमारे किसी देश में बैंक ही नहीं है तो हम चेक का यूज ही नहीं कर सकते। तो जिसके पास जहां जितना पैसा पड़ा है वो पड़ा है, उसको हम किसी और को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। तो अगर साउंड फाइनेंशियल मार्केट होती है तभी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर फंड्स कर सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए यह है फाइनेंशियल मार्केट। सेवर्स, सेव जो पैसा सेव कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करवाया जाता है। और इधर जो लेंडर्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो भी फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करते हैं। तो इनको इनसे मिलाया जाता है, वरना ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। उससे होता क्या है, इनका भी भला होता है, इनका भी भला होता है, और जिसके थ्रू, जिन बैंक्स के थ्रू इनको मिलाया जाता है उनका भी भला होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हम पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। देखिए किसी चीज की कीमत कितनी है ये फाइनेंशियल मार्केट में जाके पता चलता है। द कॉन्टिन्यूअल इंटरेक्शन अमंग न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स हु थ्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट्स। वो बायर्स और सेलर्स जो फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं, दे हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट। उस फाइनेंशियल एसेट की कीमत कितनी है ये हमें कैसे पता चलता है, ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही पता चलता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स सीम टू बी रिमार्केबली एफिशिएंट इन प्राइस डिस्कवरी। किसी चीज की कीमत पता करने में ये फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल माहिर होती है, प्रॉपर बताती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इफ यू वांट टू नो व्हाट द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट, आपके इस फाइनेंशियल एसेट की कितनी कीमत है, आप बस उसका प्राइस देखिए फाइनेंशियल मार्केट में और आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी कीमत है। आपके पास कुछ बॉन्ड्स पड़े हैं, कुछ सिक्योरिटीज पड़ी हैं, उसका पैसा पता लगाने के लिए आपको एकदम फाइनेंशियल मार्केट ऐसा बताता है। फर्दर, फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी, देखिए मेरे पास मान लीजिए 5 लाख रुपया है, ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए का एक लैंड खरीद ली कहीं पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है मुझे आने वाले 6 साल में इस 5 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यों ना मैं एक लैंड खरीद के बैठ जाती हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लैंड बेच दूंगी। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए मुझे जरूरत पड़ जाती है, मुझे इमीडिएटली कोई बायर ढूंढना पड़ेगा जो मेरी वो लैंड खरीद सके, वो लैंड जो मैंने खरीदी थी उसको कोई बाय करेगा, तब मेरे हाथ में पैसा आएगा। तो मैं बोलूंगी कि इसमें लिक्विडिटी कम है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल एसेट खरीदते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करते हैं, तो मेरे उस 5 लाख की इमीडिएट लिक्विडिटी मुझे मिल जाएगी, मैं जब चाहूं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बेच सकती हूँ और पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा। इन कंपैरिजन टू मेरे को लैंड बेचने में बहुत दिक्कत आने वाली है, मुझे लैंड का बायर खरीद ढूंढने में बहुत समय लगेगा, तो उसकी लिक्विडिटी जो है वो कम होती है। लेकिन अगर हमने फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो हमारी जो लिक्विडिटी है उसको इमिजिएटली कन्वर्ट करना कैश में, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हमको मिल जाती है। Investors can readily sell their financial assets through the mechanism of financial market. वो immediately अपनी securities को बेच सकते हैं और पैसा हाथ में आ जाएगा। In the absence of financial markets which provide such liquidity, the motivation of investors to hold financial assets will be considerably diminished. कहते हैं कि अगर इसमें liquidity ना होगी तो उनको कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा इस फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। वो तभी इंटरेस्टेड होते हैं कि हम फाइनेंशियल बॉन्ड्स खरीद लें, क्योंकि उनको पता है कि जब जरूरत पड़ी या जब हमारा दिल किया, हम इमीडिएटली, हमें कैश मिल जाएगा, इसकी फुल ऑन लिक्विडिटी है।
इन्वेस्टर को मोटिवेट करना, इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करना कि आप पैसा लगाइए, इसी से मिलता है क्योंकि उस चीज में आपको लिक्विडिटी मिल रही है. थैंक्स टू द नेगोशिएबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट्स. देखिए फाइनेंशियल मार्केट में इमीडिएटली नेगोशिएशन हो जाता है, मेरे पास इतने शेयर्स हैं, मुझे इतने बेचने हैं, और ट्रांसफर इमीडिएटली हो जाता है. इट इज पॉसिबल फॉर कंपनीज एंड अदर एंटाइटीज टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स. कंपनीज के लिए बहुत सुविधा रहती है कि वो लॉन्ग टर्म फंड ले लें इन्वेस्टर्स से, 15 साल का, 20 साल का फंड ले लें विद शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म होराइजन्स. 10 साल का अगर उन्होंने फंड ले लिया है तो 10 साल तक उनको वो लोगों का पैसा वापस नहीं करना, लेकिन वो लोग आपस में सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके भी पैसे ब्लॉक नहीं होते. जिसने वो शेयर्स खरीदे हैं उसके पैसे ब्लॉक नहीं हुए क्योंकि वो जब चाहे उनको बेच सकता है. लेकिन जिसने वो शेयर्स बेचे थे उसको पता है कि मुझे बिना बताए ट्रांसफर हो जाएगी ओनरशिप, लेकिन मुझे तंग नहीं करेंगे कि अभी हमारा पैसा लौटाओ. तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने वाला है वो भी खुश और इन्वेस्ट करने वाला भी खुश. व्हाइल वन इन्वेस्टर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर व्हेन अ सिक्योरिटी इज ट्रांजैक्टेड. जब ये सिक्योरिटी खरीद फरोख्त होती है तो एक की जगह दूसरा ले लेता है. द कंपनी इज अश्योर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. तो जिस कंपनी के वो शेयर्स होते हैं उसको भी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म में उसको पैसा मिल गया. आगे फाइनेंशियल मार्केट्स कंसिडरेबली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्टिंग. कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब आपने कोई चीज खरीदनी बेचनी है तो उसमें कितना पैसा लगता है, कितने आपको खज्जल होना पड़ता है, इसकी कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है हमारे फाइनेंशियल मार्केट ने. द टू मेजर कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांजेक्टिंग आर सर्च कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट. ठीक है जी, सर्च कॉस्ट ढूंढना, आपने कुछ बेचना है तो आपको खरीदार तो ढूंढना पड़ेगा, है ना. और इंफॉर्मेशन कॉस्ट मतलब अब मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है अपना 1 लाख रुपया, तो मुझे इंफॉर्मेशन, मुझे सूचना तो लेनी पड़ेगी ना, मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी. अरे भैया मैं ये खरीदूं कि ये ना खरीदूं, कहीं मैं ये 1 लाख रुपया यहाँ लगा दूं तो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा. इस तरह की सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है इधर उधर से. तो फाइनेंशियल मार्केट में ये फायदा है कि आपको ढूंढने का खर्चा कम हो गया और आपको सूचना भी घर बैठे ही मिल जाएगी कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है. सर्च कॉस्ट कंप्राइज एक्सप्लिसिट कॉस्ट सच एज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एडवर्टाइज when one wants to buy or sell an asset. देखिए अब आपको एक घर बेचना है तो आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, अरे भैया मुझे ये घर बेचना है, तो कोई खरीदार मिल जाए, है ना. उसी तरह से अगर आपको कुछ खरीदना है तब भी आपको एडवर्टाइज, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कोई बेच रहा हो तो मैं खरीदूं. लेकिन हमारे यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में इस तरह के खर्चे नहीं होते. इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है, एफर्ट और टाइम लगाना पड़ता है आपको टू पुट इन टू लोकेट अ कस्टमर. आपको कोई खरीदार ढूंढने के लिए आपको अपना समय और अपने एफर्ट, अपना अपना जोश लगाना पड़ता है, अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में इस सब की सुविधा है. इंफॉर्मेशन कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड इन इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट मेरिट ऑफ फाइनेंशियल एसेट. देखिए आपको अब बॉन्ड्स खरीदने हैं कि सिक्योरिटीज खरीदनी है कि शेयर्स खरीदने हैं, इस सब की सूचना इकट्ठे करने के लिए, हर चीज के बेनिफिट ढूंढने के लिए कि यहाँ पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, उस तरह का जो खर्चा है वो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत कम हो जाता है. फंक्शनल फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस. आपके पास जितनी थोड़ी सेविंग्स पड़ी हैं उसको मोबिलाइज किया जाता है. जैसे मोबाइल आप कहीं से कहीं ले जा सकते हो, उसी तरह से मोबाइल सेविंग्स मोबाइल हो जाती हैं. आपके घर में पड़े पैसे को मोबाइल कर दिया जाता है, वहां से उठाकर दूसरे के यहाँ पहुंचा दिया जाता है जो उसको किसी और अच्छे अच्छे हियर मीन्स प्रॉफिटेबल काम में लगाएगा. फाइनेंशियल मार्केट गिव्स इम्पेटस टू द सेविंग्स ऑफ द पीपल. लोगों की सेविंग्स को पंख लगा दिए जाते हैं. द मार्केट टेक्स द यूजलेसली लाइंग फाइनेंस. जो पैसा आपके पास बेकार पड़ा था अलमारी में वहां से उठाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो आपने कैश के तौर पर रखा हुआ था, टू प्लेसेस वेयर इट इज रियली नीडेड, जहां उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पहुंचाया जाता है. मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अवेलेबल फॉर ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. एक तरफ से पैसा उठाया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है दूसरी जगह पर. पहली जगह वाला बंदा भी खुश हो जाता है इससे और दूसरी जगह वाला बंदा भी खुश हो जाता है. द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर विश. आप पैसा बैंक में जमा करवाते हो, आपको इंटरेस्ट मिल गया, बहुत खुश, बैंक आगे किसी और को देता है जिसको उसकी जरूरत है, वो बंदा भी खुश, बैंक भी खुश, आपने भी कमा लिया, बैंक ने भी कमा लिया, तीसरे बंदे ने भी कमा लिया.
ठीक है, तो आपकी सेविंग्स को पंख लग जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स विद अ वेरिएड ऑफ रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स। देखिए, ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा रिटर्न, लोअर रिस्क मतलब लोअर रिटर्न। अगर आप एक एफडी करवा देते हैं 3 साल की, आपने पैसा लगा दिया, 3 साल के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आपको श्योर है कि इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें रिस्क बहुत कम है, रिटर्न तो है लेकिन ज्यादा रिटर्न नहीं है। इसके बदले में अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होता है, थोड़ा रिस्क तो ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप कौन से वाले सेगमेंट में जाना चाहते हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न में जाना चाहते हो या लो रिस्क लो रिटर्न में जाना चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हो। दिस प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर विद द चॉइस ऑफ राइट प्रोडक्ट टू मैच हिज नीड्स। जैसा उसकी सोच है उसके हिसाब से उसको वही वाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेनी है। देयर बाय गिव्स देम द एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूस रिस्क। तो आपको कम रिस्क वाला चाहिए, आपको कम रिस्क वाली चीज मिल जाएगी। Sixth point is easy transfer of financial asset. Financial markets facilitate ease in transferring financial assets between investor and the borrower. देखिए, बहुत आसानी से, बहुत सुविधा से वो फाइनेंशियल बॉन्ड्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, दीज मार्केट्स ऑल्सो प्रोवाइड इजी पेमेंट मैकेनिज्म। पैसा भी फटाफट आ जाता है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया या आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए तो आप को अगर जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो तो ब्लॉक पड़ा है भैया, पैसा आप मेरे को कैसे पैसा मिलेगा, आप चाहो तो उसको इमीडिएटली आप सेल कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में ये बहुत बड़ी सुविधा है कि इजीली वो फाइनेंशियल एसेट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा और पेमेंट भी आपको आसानी से ही मिल जाती है। तो ये हमारा आर्टिकल खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching. Stay safe, stay blessed.